ऊपर हाँ नया पुल की तरह उधर अच्छा है, नया पुल की तरफ से लोकेशन बड़ा अच्छा है। अब अगर कभी ये देखिए पंछी काट पंछी हाथ पे देखिए पंछी हाथ पे काटा हुआ। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोग से निकले के हैं। हम लोग साथ ही होम टाउन है, तो हम लोग कहाँ घूम रहे हैं इस समय? हम लोग संगम क्षेत्र में हैं, प्रयागराज की धरती पे हैं अपने होम टाउन में, और हम लोग इसमें मेले में आए हुए हैं। माघ मेला है, इस समय लगा हुआ है। संगम के नज़ारे हैं सामने, नदी है, आपको दिखाते हैं। और ये भी बता दें कि माघ मेला हर साल माघ के महीने में लगाया जाता है। 6 साल पे कुंभ होता है और 12 साल बाद कुंभ महाकुंभ के भी मनाया जाता है। तो अभी पिछला कुंभ जो है 2018 में हुआ था, बहुत ही जोरों शोरों से मनाया गया था। अब अगला जो है महाकुंभ लगेगा 2024 में, और माघ मेला हमेशा लगा रहता है। तो आइए हम लोग देखते नज़ारे। ये देखिए दोस्तों, इस समय लोग गंगा जी के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ पीपे के पुल बने हुए हैं, लगभग 10 पुल बने हुए हैं पीपे के। तो ये इस साइड ये जाने का पुल है। ये हमारे पचल भाई हैं। हवा तो बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। इस समय दोस्तों गंगा जी का पानी बढ़ गया है, सारे टेंटों में पानी घुस गया है। जल स्तर काफ़ी ऊँचा है। ये टेंट नगरी प्रयागराज की, पूरा एक शहर बस जाता है 3 महीने के लिए यहाँ पे। ये आप देखिए, आपको यहाँ सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। खाटू श्याम खालसा का यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। एक से एक भव्य पंडाल आपको देखेंगे यहाँ पे, इसकी भव्यता बहुत ही प्यारी है। देखिए दोस्तों, माघ मेले में अलग अलग यहाँ एक्टिविटीज़ होती रहती है। देखिए ये ऊँट है, ऊँट का भी आनंद, यहाँ राजस्थान का भी आनंद मिल जाता है ऊँटों के द्वारा। देखिए यहाँ साइबेरियन बर्ड्स भी आए हुए हैं, ठंडियों में यहाँ साइबेरिया से साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। और बहुत पता नहीं कितना मील होता है ना, कितने मील का ये डिस्टेंस कवर करके आते हैं, कई हज़ार मील। हाँ, और आज हमारे साथ अजीत भी हैं। नमस्ते भैया, पंछिया बहुत दिखाई है, बैठे हैं। तो अजीत, आज हम लोग बोटिंग करेंगे यहाँ? बिल्कुल करेंगे सर। तो कैसे, कहाँ कहाँ बोटिंग कराएंगे? आपके तो पर हम यहाँ बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। हाँ सर, जहाँ चलिए जो है सर, वो संगम बीच में ले चलेंगे आप लोग जो है। अच्छा, चलिए चलिए। नाव वाले हैं, बोटिंग करना बताना। देखिए कितनी नावें एक साथ लगी हुई हैं पूरी यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, नाव ही नाव है। ये संगम क्षेत्र है, इधर से जमुना जी आई हैं, उधर से गंगा जी, और ये जो है। तो भूषण भाई बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है संगम का महत्व, तो क्या है, और कहाँ से गंगा जी, कहाँ से जमुना जी, कहाँ मिलन होता है चीज़ों का? हाँ देखिए, ये जो इधर से जमुना जी आए हैं, सामने से जमुना जी आए हैं, ये अकबर किला भी यहाँ पे है, और यहाँ से यमुना जी का ये क्षेत्र है, और सामने जो है गंगा जी आए हैं।
और दोनों का ये संगम यहाँ पर है। और सरस्वती जी को बोलते हैं वो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है, वो अंडरग्राउंड है, नीचे से ही आती है। तो यहाँ पे जो संगम होता है यही वो नज़ारे हैं, आप उनको देखिए, आनंद लीजिए। भूषण भाई देखिए दोस्तों, ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये साइबेरिया से माइग्रेंट होके आते हैं। इस समय ठंडियों में आते हैं स्पेशली, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ ये 2 महीना से 3 महीने यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे वापस। साइबेरिया में इस समय -60 डिग्री तक पहुँच जाता है, इसलिए बर्ड वहाँ से अराइव नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ वहाँ से यहाँ आती हैं। माइग्रेट यहाँ भी होती है, बनारस में भी हम लोग देखेंगे, इसमें इनका बहुताय होता है। हरा यहाँ जो है यहाँ इनको अच्छा, एक रिसर्च के दौरान ये भी बताया गया था। हाँ तुम जानते हो कि इनके बारे में, साइबेरिया बर्ड के बारे में, साइबेरिया जो है रसिया में, रसिया में जगह है और दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, वहाँ से पक्षी आते हैं। पर क्या होता है कि एक रिपोर्ट जो आई थी 2 साल पहले, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या होता है कि यहाँ बेसन वेसन खिला देते हैं मेंस को, इसलिए यहाँ से जो 40% ही वापस जाते हैं, 60% का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बीच में ही जो है डेथ कर जाती है, टाई कर जाती है, अपने कंट्री तक वापस नहीं पहुँच पाती है। ये है, और आइए फिर देखिए हम लोग नौका विहार। रात शाम का वक्त है, धीमे धीमे हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं, कुहासा भी दूर पे कुहासा भी दिख रहा है, बहुत ठंड है, स्नान नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम नौका विहार ही कर लिया जाए। दोस्तों हम संगम के दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं, हम लोग पहले वहाँ पे थे, हम लोग इस साइड आ गए हैं। तो इस साइड से आप देखिए क्या व्यू लग रहा है, कि लोग नाव से जा रहे हैं उस पॉइंट पे, वहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो संगम का, वहाँ पे लोग जा रहे हैं नाव से, वहीं पे जाके स्नान कर रहे हैं। तो आइए आपको वो जगह भी हम दिखाते हैं कहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। पानी तो गर्म होगा जी, ठंडा होगा, डुबकी नहीं लगा सकते अजीत? नहा लोगे इस वक्त तुम? बिल्कुल नहा लेंगे भैया, मगर अभी नहाने की इच्छा नहीं है। तो रात को 12 बजे आते हैं नहाते हैं, तुम कह रहे हो कोई इच्छा नहीं कर रही है? नहीं, हम भी नहाए 8 बजे रात, हम भी नहाए हैं। देखिए 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 कितना, देखिए चाय, लेमन टी चाय, देखिए वो सूरज जो है बादलों के पीछे, और क्या मनोहर दिश आ रहा है, कितना मनोहर सनसेट है ये, कितना सुहावना है, तो बोलेंगे क्या सनसेट है ये। बादल के पीछे देखिए सूरज देवता हमारे छुप रहे हैं, और देखिए नीचे देखिए पानी को, उनका ये सेक्शन पूरी जो है नारंगी रंग की प्रतिमा जो है नीचे पानी पे बनी हुई है, और पानी के अंदर कितना मनोहर एक रमणीय दृश्य है, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। पंछी देखिए, पंछी, कुछ पंछी बैठे हुए, कुछ पंछी टहलते हुए उड़ते हुए, और देखिए बोट, दूर पे बोट, पास में बोट, बोटें चल रही हैं, लोग आनंद ले रहे हैं इस दृश्य का, और क्या खूबसूरत नज़ारा है, आँखों को मुग्ध करने वाला जो है नज़ारा है ये। और आना चाहिए यहाँ, आना चाहिए यहाँ इस दृश्य को देखने, हमेशा नहीं रहता है इतना भीड़, खाली रहता है, खाली ही रहता है, पर ये माघ के दौरान लोग यहाँ आते हैं, माघ में गंगा के स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और उस नई ऊर्जा के साथ इंसान जो है अपने साल को बढ़ाता है, पूरा साल जो है फिर एक अच्छे काम करता है, आगे बढ़ता है। तो आना चाहिए यहाँ इस समय, क्योंकि जो है मकर संक्रांति के बाद से जो सूर्य भी मकर रेखा के ऊपर चला गया है, तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही हाई इस समय रहती है, तो इस समय गंगा स्नान करना चाहिए। हम लोग भी सुबह जाकर करेंगे, इस समय तो नहीं करने की मूड है, पर बहुत ही सुहाना। देखिए अब और भी अच्छा, जब सूरज जो है निकल आया है बादलों के पीछे से, तो देखिए सनसेट, क्या सुंदर सनसेट है।
ऊपर देखिए दोस्तों, अब हम लोग बोट पर जा रहे हैं। हाँ भूषण भाई बहुत डरते हुए, क्या हुआ, कहाँ चलेंगे? देखिए मैं सीधा सीधा चलिए, बहुत ही बड़ा एडवेंचर करते हुए हम लोग जान हथेली पे लेते हुए इतनी ठंड में ये हिलते हुए ब्रिज के ऊपर चलते हुए। देखिए दोस्तों हम लोग इसी ब्रिज पे आए, देखिए बड़ा हिल रहा है, देखिए काफ़ी हिल रहा है, देखिए ब्रिज से हम लोग जो है अपनी जान हथेली लेते हुए आगे बढ़े और बोट की तलाश में। और बंदा हमारा आ गया है, देखिए दूर पे धीरे वो है, वो हमारी बोट आ रही है, वो भी। और हम लोग इस बोट से होते हुए चलेंगे, बोट आगे बोट पे होते हुए चलेंगे हम लोग। अरिषित भाई आते हुए साथ में अजीत, आराम से आइए, बोट हिल रही है, चल जाइए इस पे। ये हुई ना, आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। दोस्तों हमारे नौका निकल चुकी है, भूषण भाई यहाँ विराजमान है। तो भूषण भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंदित फील कर रहे हैं। एक साल हो गया, पिछले साल आए थे गंगा जी में और एक साल बाद आए हैं जब मेला लगा हुआ। रहते तो यही है 2 किलोमीटर पे, रहते तो सामने ही झूसी में रहते हैं लेकिन आने का मौका ही नहीं मिलता। अजीत तो तुम कितने दिन बाद आए हो यहाँ? वही भैया हम आपके साथ आए हैं, तब से बोट पे घूमे नहीं है दोबारा, जो यार हम लोग जून में आए थे। हाँ वही तभी आए हैं, हम तो आते रहते हैं फिलहाल, वैसे नहाए थे आके जो है। पानी में गहराई कितनी होगी यहाँ पे? 35 फीट होगा, यानी हम हमने जान हथेली में लेके आए हैं। अच्छा कितने लोग को बचा लोगे एक बार में? हम तो लाइफ जैकेट दे देंगे तो सब लोग बच जाएंगे। जैकेट रखे रहते हो? नहीं नहीं क्या जरूरत है, घर गए मामा। दोस्तों ये देखिए सामने से जो नज़ारे हैं, इधर से गंगा जी आई हुई अभी आपको दिखाएंगे। अभी इस समय हम लोग जमुना जी के क्षेत्र में है, ये जमुना जी का पानी है ये। हाँ तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा नीला नीला पानी है, हरा पानी है। जमुना जी का पानी हरा होता है, हरा पानी होता है और थोड़ा मटमैला कलर का जो होता है गंगा जी का पानी। तो देखिए दोस्तों ये पानी जमुना जी का पानी है दोस्तों ये, और ये इसका आचमन हम लोग कर रहे हैं सूर्य देवता को। देखिए यहाँ पे इस संगम क्षेत्र में जमुना जी की गहराई ज़्यादा है, हाँ, और गंगा जी कम गहरी हैं, और गंगा जी का पानी भी आपको अटमैला दिखेगा। अभी हम लोग इस समय जमुना जी में हैं, ये देखिए सामने पुलिस दल जा रहा है गश्त करते हुए। अब क्या हो गया कि हर नाव में लाइफ जैकेट कंपलसरी हो गया है, पहले वो नहीं था लेकिन कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए जिस वजह से अब कंपलसरी कर दिया गया है। अब हम चलाएंगे अब हम चलाएंगे नियंत्रण बाद।
आराम से आराम से बैठ के जाइए। अरे कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाइए, बीचों बीच खड़े हो जाइए, आराम से आ जाइए। देखिए दोस्तों, अब आपको अपना इंजन धन्यवाद ट्रेनिंग दे दो इनको, यहाँ से उठा के पीछे ले जाना, यहाँ इसको उठा के पीछे ले जाइए। देखिए दोस्तों, आपका अपना इंजन सिंधवाद चलाते हुए बहुत ताकत लग रही है भैया, नौका विहार कर रहे हैं, चल नहीं पा रहा आप तो देख रहा हूँ, चप्पू चल नहीं पा रहा, ये चलेगा चप्पू, ये देखिए चप्पू चलाइए क्या उसके, ये देखिए क्या धुआंधार चप्पू चल रहा है, थोड़ा ऊपर हो जा रहा पानी, ऊपर कैसे हो जा रहा, ऊपर ले जाइए पानी, पीछे कर दीजिए पहले, आप पीछे ले जाइए चप्पू को अंदर दबा के चलाइए, ये नीचे ले जाए फिर ऊपर, घर के भैया लोग आए, घर के ढूंढने लोग जा रहे हैं, ये पुलिस वाले आ गए, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं कि इधर मत आओ ना, उधर चलाओ, इधर बहुत गहरा है। अरे सर जी, हम लोग खुद ही आए, बस दो लाख भर, हम मेला पहली बार आ रहे हैं, मेला में सभी पहली बार आ रहे हैं, मेरे घर यहीं घर ना सर जी, मोल ले रहे मोल ले रहे मोल, हाँ जी तो भूषण भाई, हाँ आपको कैसा लगा मेरा नाव? नाव आपने काफ़ी अच्छे से चलाया, फर्स्ट टाइम में ही आपने अच्छे से जो है दोनों चप्पू चला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ दोस्त इंडियन सिंधबादी संगम क्षेत्र में नौका विहार करते हुए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी हमने देखिए, अभी चिड़िया आएगी तो चिड़िया का जो है अभी आपको दिखाते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप भाई हमारे हम ले आए हैं, इधर अभी इस साल अलाउ नहीं किया गया है, अरे किस लिए मना कर रहे हैं, क्या बात है भैया, इसे टाइम खत्म होगा है। और सर भैया पहले वहाँ ले चलते नया पुल के पास, नया पुल की तरफ उधर, अच्छा अच्छा मजा, नया पुल की तरफ से लोकेशन बड़ा अच्छा लगता है, अब अगर कभी खाली रहिए तो अजीत समय दोनों दिन खाली हो गया, तो फिर अजीत भैया साथ ही आइए, कभी खाली रहिए तो अगले संडे आएंगे, अब अगले संडे आएंगे, अब चले चले संडे फिक्स रखिए, संडे को आइए, संडे को कली तो है अगले कुछ दिन, मैं कुछ कहेंगे सनसेट जो हम लोग बोट से देख रहे हैं, हाँ ये देखिए अद्भुत नज़ारा है, इस समय पानी के अंदर से सनसेट जो देखते हैं इसका व्यू ही अलग ही होता है, आप बाहर ज़मीन से देखिए और पानी के अंदर से देखिए कितना अच्छा लगता है, ये पानी है सामने सामने, अभी लगेगा जैसे पानी के अंदर ही वो सेट हो जाएगा, लग रहा है जैसे समुंदर वाली फीलिंग आ रही है, वापस चले और चलते हैं, वापस चलते कोई दिक्कत नहीं, तो पक्षियों को गदाना ले आए तो खिला दे, देखिए साइबेरियन बर्ड ऑफ राम प्यारी, देखिए 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 देखिए, बड़े प्यारे पक्षी, मन करा पकड़ के ले चले इन्हें, ये देखिए हमारे ऊपर भी आ गए है, ये देखिए, अरे आप हाथ मिलाइए, दाना ले लीजिए, हाथ मिलाइए, वो भी आ रहा है, खत्म हो गया, कहाँ बेचारे चलाए, यार पहले आप जल ये बना, और ऊपर करिए काटे के, हम इलाज कराए, क्या चिंता कर रहे हैं, आराम से, ये देखिए, ये देखिए पंछी काट, पंछी हाथ पे देखिए, पंछी हाथ पे काटा हुआ, हाथ से दाना चुकते हुए पंछी,
थोड़ा फेंकिए फिर उसके बाद थोड़ा फेंकिए और फिर उसके बाद हाथ दिखाइए, हाँ फेंकिए और हाथ दिखाइए और ऊपर और ऊपर देखिए पक्षियों ने हम पे हमला बोल दिया है, ये चारों तरफ से पक्षियों ने हमको हमला बोल दिया है चारों तरफ से। और पक्षियों का दो पक्षियों का हम लोग के बीच में फंसे हुए हमारे भूषण भाई, मजा आ गया। क्या करना है आप आइए कभी भी आइए। सुकून के पल में भूषण भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये। कैसा आपने अपनी फीलिंग दिल की फीलिंग बताइएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे माहौल कभी कभी बनते हैं। मेला आता है, मेले में आइए, यहाँ की रौनक देखिए, यहाँ का नौका विहार कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। आराम से नाव में बैठ जाइए, आराम से पक्षियों को दाने दीजिए, जैसे राजा महाराजा नौका विहार किया करते थे वैसे करिए आराम से। तो बहुत ही आनंदमय है, देखिए अभी भी पक्षी है, हमसे आस लगाए रहती है, पर हमारे दाने सब खत्म हो गए हैं। देखिए मनोहर दृश्य है, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है। सामने सूरज अस्त होता हुआ पानी में लालिमा सूरज की दिखती हुई दिखाई, हमारे दर्शकों को जैसे लालिमा पानी में दिख रही है हमारे सूरज देवता की। देखिए हम लोग प्रयागराज में सूरज को सूरज देवता ही खोलना पड़ेगा, तो थी हम लोग प्रयागराज की पावन धरती पे हैं। और ये इसके इवेंट मैनेजर हमारे अजीत थे जो ये इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। भैया हमारे बोले हैं कि हमको ले चलो वोट करूँगा, कभी भी किसी को घूमने आना है तो इनका नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको नौका विहार करा सकते हैं। वो देखिए दोस्तों सामने नैनी है, सामने नैनी है और इस तरफ सामने आप पूर्व दिशा में झूसी है और इस तरफ जो है हमारा मेन इलाहाबाद शहर। भूषण भाई पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद में ही रहे, इनका यहाँ का ज्योग्राफी बहुत अच्छी मालूम है। हम लोग तो ये बहुत पहले ही यहाँ से जो है स्टडी करने बाहर चले गए, फिर जॉब करने बाहर चले गए, उतना ज्योग्राफी का आइडिया नहीं, पर भूषण भाई को यहाँ ज्योग्राफी बहुत अच्छा आइडिया है। कौन सी चीज़ कहाँ है अजीत आ गया नंबर। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ आइए, भाई हमारे बहुत सपोर्टिंग है, ये पूरा पूरा आपको घुमाएंगे अच्छे से। बोट वालों का नंबर है जो है, और ये नंबर दे दीजिए 44 76 37। एक बार इंग्लिश बताइए 9044768837। ये नंबर है हमारे बोट वाले भाई का, इनका नाम है धीरज मल्ला निसार जो है निसार। कभी भी आप आइए इलाहाबाद में, अगर आप आते हैं हमारे करिए। देखिए दोस्तों पहले भूषण भाई थे इस साइड सनसेट के साइड, अब मैं आ गया सनसेट के साइड। तो अब देखिए मेरे साथ भी ये दृश्य का मजा लीजिए, तो बाल वाल जो है हवा तेज चल रही थी खराब हो गए हैं लग रहा है। हमारे परिचित भाई बहुत बड़े स्विमर भी हैं। वेट अच्छा खासा, ये बटरफ्लाई स्विमिंग भी करते हैं। करते तो बहुत कुछ पर छोड़ दिए। बहुत ही आनंद आ गया शाम को, शाम का वक्त तो भूषण भाई जैसे कि हर यात्रा का अंत होता है, वैसे जो है इस यात्रा का भी अंत हो रहा है। दोस्तों हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई, हमने अच्छे से जो है नौका वार किया, घुमा फिरा, अब हम जो है अपने स्थान पे आ गए हैं। अब चलते हैं, हमारी आपकी नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ओके बाय।